नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दक्षिण भारतीयों को लेकर भाजपा नेता तरुण विजय की टिप्पणी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने लोकसभा में आरोप लगाया कि ऐसे बयान से देश की अखंडता प्रभावित होती है और सरकार बताए कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, यहाँ किसी भी सूरत में जाति, वर्ण, धर्म और रंग के आधार पर भेद की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही राजनाथ ने कहा कि जब तरुण विजय ने माफी मांग ली है तो इस सवाल को यहां उठाने का औचित्य नहीं है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिला स्थित केरन सेक्टर में सेना ने आज घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। एक रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों का एक समूह केरन सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। सूखे और कर्ज से बेहाल तमिलनाडु के किसानों की बेजारी एक बार फिर दिल्ली के सियासी गलियारों में अजीबोगरीब प्रदर्शन के तौर पर दिखी। वहीं आज कुछ आंदोलनकारियों किसानों ने नॉर्थ ब्लॉक के नजदीक नग्न होकर विरोध जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया, कहीं EVM गड़बड़ी में शामिल तो नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बता दें कि विशेष तौर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की यात्रा को लेकर ममता पिछले 4 दिनों से दिल्ली में है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शनिवार को हसीना से मुलाकात की थी। BJP के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर पाक से रिश्ते सुधारने की वकालत की। आडवाणी ने कहा कि जब मैं सिंध में पैदा हुआ था तो वो भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद अब वो भारत से अलग हो चुका है। आडवाणी ने आगे कहा कि सच्चाई यही है कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, इस बात का दुख मुझे आज भी होता है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने PM मोदी पर निशाना साधा। पी चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या नोटबंदी के उनके फैसले से वांछित परिणाम हासिल हुआ है। RK नगर में बांटा गया धन क्या सफेद धन था। बसपा विधायक मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के बाद अब मुन्ना बजरंगी की भी जेल बदली। बता दें कि पिछले करीब 15 दिनों में UP की जेलों में बंद करीब 4 दर्जन खूंखार अपराधियों और सिद्धोत बंदियों का ट्रांसफर सूबे की दूसरी जेलों में किया गया है। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने औचक ही कृषि भवन पहुंचे, साथ ही अधिकारियों की अनुपस्थिति देखकर मंत्री ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने इसके बाद कृषि भवन में ताला लगवा दिया। BJP की विवादित नेता साक्षी महाराज ने भी पलटवार करते हुए आजम खान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पूरे समय गरीबों को डराता रहा है उसे डरने की क्या जरूरत आई। तेल कंपनियों की उपेक्षा से गुस्सा है कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स यानी CIPD ने 10 मई के बाद प्रत्येक रविवार को पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। यदि इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो रात में भी पेट्रोल पंप बंद रखे जाने की चेतावनी है। भारत और रूस आने वाले साथ मिलकर दोनों देशों के बीच 7200 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। बता दें कि ये ग्रीन कॉरिडोर भारत और रूस की दोस्ती के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू होगा। राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के मुताबिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर एक बार फिर इस बात को हवा दे दी है कि टीम के मालिक और धोनी के बीच संबंध मधुर नहीं है। मराठी की सबसे सफल फिल्म सराट से रातोंरात सुर्खियों में आए लीड एक्टर आकाश ठोसर अब महेश मांजरेकर की फिल्म फन अनलिमिटेड में मेन रोल कर रहे हैं। सलमान खान ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक अपने ट्विटर पर जारी किया है। ये फिल्म 2 जून को रिलीज होगी। फिलहाल हमारे साथ खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।